पालक मटन बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो मटन को क्लीन कीजिए। उसमें एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टेबलस्पून हरा मसाला, एक क्यूब चिकन पाउडर, एक टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून लाल मिर्च मसाला, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून जीरा, 5 से 6 काली मिरी, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 1 चाकरी फूल, रिंग से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून जायफल इलायची पाउडर, 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर, 1 नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कीजिए और 15 मिनट कवर कीजिए। अब तेल को गरम कीजिए, उसमें 2 कटा हुआ प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। मैरिनेटेड मटन डालें। थोड़ा पानी डालें। मिक्स करके कवर कीजिए पानी सूखने तक। पानी सूखने के बाद लो फ्लेम पर अच्छे से 3 या 4 मिनट भूनें। फिर से 1 ग्लास पानी डालकर कवर कीजिए मटन पकने तक। अब 2 कटा हुआ आलू डालकर कवर कीजिए आलू पकने तक। एक जूड़ी साफ पालक काटकर डालें और 5 मिनट पकाएं। एक टीस्पून कस्तूरी मेथी डालें और गैस बंद कीजिए। है ना इजी, टेस्टी बनाए और अपनी फैमिली को खिलाए। और भी मजेदार रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।